नमस्कार, डेफोडिल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रत्यय का, उसमें हमने प्रत्यय की परिभाषा पढ़ ली है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो प्रत्यय वो दो प्रकार के हैं, एक कृत प्रत्यय है, दूसरे कौन से हैं, तदित प्रत्यय। कृत और तदित में अंतर क्या है इसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि धातु या मूल क्रिया के बाद जो शब्दांश जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं वो प्रत्यय कौन से कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय वो धातु के साथ जुड़ेंगे या फिर मूल क्रिया के साथ जुड़ेंगे, और तदित प्रत्यय वो मूल क्रिया को छोड़कर चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वह विशेषण शब्द हो, चाहे कोई अव्यय शब्द हो, उसके बाद में जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं, रचना करते हैं, उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। कि दोनों में अंतर है, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हैं और तदित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, या कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है और तदित प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है। तो कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाता है, और तदित प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है, तदितांत शब्द कहलाता है। कृत प्रत्यय पांच प्रकार के हैं और तदित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, छह प्रकार के हैं। पांच प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में हमने पढ़ा है, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है, एक कर्मवाचक है, एक कर्णवाचक है, एक भाववाचक है, एक क्रियाबोधक कृत प्रत्यय है। तदित प्रत्यय की बात करें तो ये छह प्रकार है। छह प्रकार में एक कर्तृवाचक तदित प्रत्यय है, भाववाचक है, संतानबोधक या अपत्यवाचक है, उन्तावाचक या हिंतावाचक है, स्त्रीबोधक है, समतबोधक है। इस प्रकार ये छह भेद किसके हैं, तदित प्रत्यय के भेद हैं। इसके अलावा जो प्रत्यय है, कुछ विशेष बात हम पढ़ेंगे। कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं और उसके प्रथम स्वर में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं, जिसे दीर्घ आरंभ में आदि में वृद्धि करते हैं। तो ये जो आठ प्रत्यय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहां से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आपको कोई शब्द दे दिया उसके अंदर है मूल शब्द या प्रत्यय पूछा जाता है। तो आदि में वृद्धि करने वाले जो आठ प्रत्यय है, उन आठ प्रत्यय की यदि हम बात करें तो एक तो ए प्रत्यय, एक ई प्रत्यय, एक बड़े ई है, एक इक प्रत्यय, एक आय प्रत्यय, एक आयन प्रत्यय और एक आयन प्रत्यय और एक य प्रत्यय। ये जो आठ प्रत्यय हैं, ए ए ए इक ए आयन आयन और यह प्रत्यय, ये प्रत्यय वो आदि में किसी भी शब्द के क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और ये वृद्धि करने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखो इनकी विशेषता क्या है। ये जो आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं, चाहे वह संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे अव्यय शब्द हो, और उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा। ये चार प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो शब्द के प्रथम स्वर में चार प्रकार से परिवर्तन होता है। कोई भी शब्द है और उसका प्रथम जो स्वर है, उस प्रथम स्वर के अंदर ये चार परिवर्तन करते हैं। कोई भी शब्द है उसका जो प्रथम स्वर है उसमें ये चार प्रकार से परिवर्तन करेंगे। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, कितने प्रकार से परिवर्तन है, चार प्रकार है, चार प्रकार से परिवर्तन किस प्रकार से होंगे। और दूसरी इनकी विशेषता है कि कोई भी प्रत्यय हम शब्द के साथ जोड़ेंगे तो शब्द का अंतिम जो स्वर है उस स्वर को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अंतिम वर्ण को हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे, और स्वर रहित करने के बाद में ये क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। एक तो प्रत्यय के अंदर संधि वाला नियम लागू नहीं होगा कि हम कोई भी शब्द ले लिया उसमें यदि हमें चित्रकार हमने एक शब्द ले लिया ये समाज है, और समाज में यदि हमें एक प्रत्यय जोड़ना है तो यदि हम संधि के आधार पर देखें तो यहां पर ए स्वर आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है, ई स्वर आ रहा है। तो संधि यदि हम करें तो यहां पर गुण संधि के अनुसार तो यहां पर स्वर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। लेकिन प्रत्यय के अंदर ऐसा नियम लागू नहीं होगा। प्रत्यय के अंदर क्या होगा, कोई भी शब्द है उसका जो अंतिम जो वर्ण है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्वर रहित करना पड़ेगा। और स्वर रहित करने के बाद में जो भी हम यहां पर प्रत्यय जोड़ेंगे उस प्रत्यय के अंदर यदि कोई स्वर आ रहा है उस स्वर की मात्रा इस वर्ण पर लगानी है आपको। स्वर आ रहा है तो स्वर की मात्रा लग जाएगी, या कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो ये स्वर क्या रह जाएगा, स्वर रहित रह जाएगा, या वर्ण क्या रह जाएगा, स्वर रहित रह जाएगा। एक विशेषता तो ये है कि आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो आपको अंतिम जो वर्ण है उसे क्या करना है, स्वर रहित करना है। चार प्रकार से क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा।
और ये चार प्रकार से परिवर्तन किस प्रकार से होगा, देखो यदि कोई भी शब्द है और उसका प्रथम जो स्वर है, कोई भी शब्द का प्रथम जो स्वर है यदि ए आ रहा है, ए या आओ, और उसके बाद में ये जो आठ प्रत्यय जुड़ रहे हैं, तो आपको प्रथम जो स्वर यदि ए आ रहा है तो ए का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, दीर्घ आ में हो जाएगा, ये आ में परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी स्वर है उसमें यदि हम ये देखेंगे ये आठ में से कोई भी प्रत्यय जो जोड़ेंगे और आठ जो प्रत्यय जोड़ेंगे तो प्रथम शब्द का जो प्रथम स्वर है उसके अंदर ए स्वर की मात्रा है तो उसमें क्या हो जाएगी, आ स्वर की मात्रा हो जाएगी। एक परिवर्तन क्या होगा, यदि प्रथम स्वर के अंदर ई स्वर आ रहा है या फिर ये दीर्घ ई आ रहा है या फिर ए आ रहा है तो उसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तीसरा जो परिवर्तन क्या होगा, यदि प्रथम वर्ण के अंदर स्वर उ की मात्रा है या दीर्घ उ की मात्रा है या फिर ओ की मात्रा है तो इसका जो परिवर्तन है वो किस में हो जाएगा, आउ में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, आउ में हो जाएगा। और चौथा आपको परिवर्तन क्या याद रखना है कि यदि प्रथम वर्ण के अंदर री स्वर की मात्रा है तो री के बाद में यदि इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो री का जो परिवर्तन है वो किस में हो जाता है, आर में हो जाता है, किस में हो जाता है, आर में हो जाता है। एक तो ये आपको ये चार परिवर्तन याद रखने हैं। किसी भी शब्द के साथ यदि हम इन आठ प्रत्ययों को जोड़ेंगे तो चार परिवर्तन ये होंगे। प्रथम यदि ए स्वर है तो ए का परिवर्तन आर में करना है, ई और ई ए है तो इसका परिवर्तन किस में करना है, आई में करना है, उ उ ओ है तो इसका परिवर्तन हमें किस में करना है, औ में करना है, और री है री का परिवर्तन किस में करना है, आर में करना है। चार तो ये विशेषता आपको याद में रखनी है। एक बात मैंने आपको ये बताई कि आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो शब्द के अंतिम वर्ण को हमें क्या करना है, स्वर रहित करना है, एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है। एक चीज और है कि जो ये ए प्रत्यय है, ये ए प्रत्यय यदि हम किसी भी शब्द के साथ जोड़ते हैं और उससे ठीक पहले उ शब्द की मात्रा आ रही है, या तो छोटे उ की मात्रा मिलेगी या फिर आपको दीर्घ उ की मात्रा मिलेगी, तो यहां पर आपको क्या परिवर्तन करना है। जैसे देखो कोई शब्द दे रखा है आपको मनु, और मनु के अंदर प्रत्यय में कौन सा जोड़ना है, ए प्रत्यय जोड़ना है। आपको जो एक शब्द दे रखा है मनु, और मनु के अंदर आपको क्या जोड़ना है, ए प्रत्यय जोड़ना है। अब इसका जो शब्द बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, देखो एक काम तो आपको क्या करना है कि इस शब्द का जो प्रथम जो स्वर है उसमें ये चार परिवर्तन होंगे, तो चार परिवर्तन होंगे तो मैं के अंदर जो मनु जो शब्द है इसके अंदर तो प्रथम जो वर्ण है वो क्या आ रहा है, मैं आ रहा है, और मैं के अंदर जिस स्वर की मात्रा है वो किस स्वर की मात्रा है, ए स्वर की मात्रा है। तो एक काम तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए जो स्वर की मात्रा है उसका जो परिवर्तन किसमें करना है, आपको आ में करना है, ठीक। दूसरा काम मैंने आपको ये बताया कि ये जो जुड़ेंगे वो स्वर अंतिम जो स्वर है उसे क्या करना पड़ेगा, हमें स्वर रहित करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको ऐसे ठीक पहले यदि उ स्वर की मात्रा आ रही है तो आपको वहां पर स्वर रहित न करके क्या करना है, उ और ए, यहां पर उ जो स्वर है और उसके बाद में ये ए जो स्वर आ रहा है, यहां पर अपवाद स्वरूप आपको इसका जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, औ में करना है, किसमें करना है, औ में करना है। अब यहां पर उ के बाद में ए आए तो नियम के अनुसार तो यहां पर यण संधि के अनुसार तो क्या होना चाहिए, वह में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यहां पर वह भी नहीं है, संधि का नियम भी लागू नहीं हो रहा है, और यहां पर आपको अपवाद स्वरूप आपको उ और ए का जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, औ में करना है। अब देखो यहां पर ये मैं और के अंदर हम ए प्रत्यय जोड़ रहे हैं मनु के अंदर, तो यहां पर ए की मात्रा है, ए का परिवर्तन किसमें करेंगे, आ में करेंगे, तो ये मैं का परिवर्तन किसमें हो गया, मा। अब आपको उ आ रहा है, उ और ए दोनों यदि है तो इनका परिवर्तन आपको किसमें करना है, औ में परिवर्तन करना है, तो औ में परिवर्तन करेंगे तो यहां पर नए से उ स्वर को हमने हटा लिया है और नए के अंदर ए स्वर जोड़ेंगे तो ये नए पूरा हो जाएगा, अंतिम वर्ण हमारे पास क्या है, वह, तो ये मनु परस में ऐसे क्या बन जाएगा, मानव बन जाएगा। तो आपको मानव के अंदर यदि प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय यहां पर कौन सा है, ए प्रत्यय, और मूल शब्द पूछे तो मूल शब्द क्या है, मनु है। तो एक विशेषता तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि उ वाला जो बात है यदि ऐसे ठीक पहले उ और उ की मात्रा आती है तो वहां पर आपको उ और ए का जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, औ में करना है, और बाकी यदि आप कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको अंतिम जो वर्ण है उसे क्या करना है, स्वर रहित करना है। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है और ये चार परिवर्तन आपको ध्यान में रखने हैं। कोई भी प्रत्यय इनमें से जुड़ेगा तो ए का परिवर्तन आ में करना है, ए का परिवर्तन है ए में करना है, और उ का जो परिवर्तन है या उ उ ओ का परिवर्तन है वो किस में करना है, औ में करना है,
और री का जो परिवर्तन है, और री का परिवर्तन आपको किसमें करना है, आर में करना है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस प्रकार के जो शब्द आपको मिले, जिस प्रकार मानव है, दानव है, राघव है, जिस शब्द के अंत में क्या आ रहा है, वह आ रहा है। जिस प्रकार आपको शब्द दे दिया, ये राघव दे दिया, ये राघव, और इसके अंदर आपको यदि प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय आपको ऑप्शन में एक में वह मिल जाएगा, एक में घव प्रत्यय मिल जाएगा, एक में औ प्रत्यय मिल जाएगा, एक में ए मिल जाएगा। इस प्रकार आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको एक ध्यान याद रखना है कि जिस प्रकार इस प्रकार के कोई शब्द आ रहे हैं, राघव, मानव, दानव, जिसके अंत में क्या आ रहा है, वह आ रहा है, और जहां से कहीं पर उत्पन्न होने का बोध हो रहा है, वहां पर आपको प्रत्यय सदैव कौन सा करना है, ए प्रत्यय करना है। राघव, मानव, दानव के अंदर आपको ए नजर नहीं आएगा, यहां पर वह नजर आ रहा है, या फिर अव नजर आ सकता है, या फिर घव है, लेकिन यहां पर ए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उ और ए के कारण इसका परिवर्तन किसमें हो रहा है, अव में हो रहा है। तो इस प्रकार की यदि आपको कहीं पर भी उदाहरण हो, वहां पर यदि प्रत्यय पूछे तो सामान्य रूप से आपकी पहचान ये रहेगी, यहां पर प्रत्यय कौन सा होगा, ए प्रत्यय होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राघव, मानव, दानव के अंदर प्रत्यय कौन सा है, ए प्रत्यय है, और इसका अवमण किस प्रकार है, उ के बाद में ए आ रहा है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो रहा है, अव में हो रहा है। अब ये जो आठ प्रत्यय उनके हम उदाहरण पढ़ते हैं कि किस प्रकार इनका जो परिवर्तन होता है, ए प्रत्यय, ई प्रत्यय, ई है, इक है, ए है, एन है, या आयन है, या ये प्रत्यय। तो ये चार विशेषता आपको याद रखनी है, नोट कर लेना। ए आए तो आ में परिवर्तन करना है, ई का परिवर्तन ऐ में करना है, उ ओ का परिवर्तन औ में करना है, री का परिवर्तन किस में करना है, आर में करना है। अब देखो उदाहरण किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले एक प्रत्यय लेते हैं हम, एक प्रत्यय वाले उदाहरण। कोई भी शब्द के अंदर आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। जैसे हम कोई शब्द देखें, एक शब्द दे रखा है आपको शरीर, एक शब्द दे रखा है आपको धर्म, एक दे रखा है मरम, एक शब्द दे रखा है भूत। शरीर है, धर्म है, मरम है, भूत है, एक शब्द दे रखा है आपको तमस, एक दे रखा है मनस, तमस है, मनस है, एक शब्द दे रखा है आपको यंत्र, एक शब्द दे रखा है आपको मरम, तो लिख लिया हमने, तमस है, मनस है, यंत्र है। इसी प्रकार आपको दे दिया प्रथम शब्द है, एक दे रखा है प्रथम, एक यहां पर मैं लिख रहा हूं इतिहास, इस प्रकार के उदाहरण दे रखे हैं, इतिहास है, मूल है, योग है, या अंतर है। एक और लिख रहा हूं यहां पर मूल शब्द दे रखा है, एक आपको योग शब्द दे रखा है, एक सेना शब्द दे रखा है। अब ये जो उदाहरण है इसमें हमें एक प्रत्यय लगाना है, कौन सा प्रत्यय लगाना है, एक प्रत्यय लगाना है, और हमें जो चार जो परिवर्तन पड़े हैं उसके आधार पर हम देखेंगे यहां पर परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो शरीर जो शब्द है मूल, इसके अंदर आपको एक प्रत्यय जोड़ना है, तो एक प्रत्यय जोड़ना है, प्रथम जो वर्ण है यहां पर जो स्वर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। पहला परिवर्तन हमने ये पढ़ा है कि ये जो आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे, तो ये जो ए का जो ए आ रहा है, तो ए का परिवर्तन आपको किस में करना है, आ में करना है, और ई आ रहा है तो ई का परिवर्तन हमें किस में करना है, आई में करना है, और उ ओ आ रहा है तो परिवर्तन किस में करना है, औ में करना है, और री आ रहा है तो री का परिवर्तन हमें किस में करना है, आर में करना है। तो यहां पर देखो प्रथम परिवर्तन तो आपको क्या रहेगा, ए का परिवर्तन आपको किसने कर दिया, आ में कर दिया, स का क्या हो गया, सा हो गया, मध्य में आपको कोई परिवर्तन करना नहीं है। अंतिम जो वर्ण है उसे हमें क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे, अंतिम वर्ण को हम स्वर रहित करेंगे तो रह स्वर रहित हो जाएगा। अब यहां पर जो मात्रा किसकी आ रही है, ई की आ रही है, तो छोटे ई की मात्रा आ रही है, तो हम यहां पर छोटे ई की मात्रा लगाएंगे, तो यह शब्द बन जाएगा वो शरीर प्लस में एक से क्या हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर प्लस में एक से क्या हो गया, शारीरिक। अब आपको ये शारीरिक शब्द दे दिया और आपको प्रत्यय पूछे, तो प्रत्यय यहां पर कौन सा होगा, एक प्रत्यय होगा, और आपको ये मूल शब्द की यहां पर पहचान होनी चाहिए, यहां पर मूल शब्द यहां पर शेष क्या बचेगा, शरीर प्लस में एक से क्या होगा, शारीरिक होगा। इसी प्रकार हम धर्म प्लस में एक देखें, तो यहां पर पहले यहां पर स्वर क्या आ रहा है, ए आ रहा है,
ए का परिवर्तन आपको किसमें करना है, आ में करना है, स्वर रहित करेंगे, ये शब्द क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, धर्म प्लस में एक से क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर मरम है, ए का परिवर्तन आपको आ में करना है, ए का परिवर्तन हमने आ में कर दिया, इक की मात्रा लगानी है यहां पर, और ये शब्द क्या बन जाएगा, मार्मिक हो जाएगा। तो मार्मिक के अंदर प्रत्यय पूछे तो एक प्रत्यय है, धार्मिक के अंदर प्रत्यय पूछे तो कौन सा, एक प्रत्यय है, शारीरिक के अंदर प्रत्यय पूछे तो कौन सा, एक प्रत्यय है। मूल शब्द देखें तो शरीर, धर्म और मर्म है। अब देखो भूत शब्द दे रखा है, उसके अंदर आपको एक प्रत्यय जोड़ना है। तो पहला परिवर्तन आपको क्या करना है, यहां पर जो स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो हमने ये पढ़ाई ऊ आएगा तो ऊ का परिवर्तन हम किस में करेंगे, औ में करेंगे। तो ऊ का परिवर्तन हमने किस में कर दिया, औ में कर दिया। अब यहां पर इक की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द भूत परस में एक से क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। भौतिक के अंदर प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है, और मूल शब्द पूछे तो ये मूल शब्द कौन सा है, भूत है। तो इसी प्रकार आपको जो ये एक प्रत्यय जोड़ना है, तो एक प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये आपको चार परिवर्तन क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसी प्रकार ये तमस शब्द दे रखा है, उसमें यदि एक प्रत्यय दे रखा है तो आपको पहले तय आसवर इसमें आ में परिवर्तन कर दिया, मै का मै लिख दिया, स पर एक की मात्रा लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। मनस के अंदर एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा। यंत्र में एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर ए का परिवर्तन आ में हो गया, ये क्या हो जाएगा, यांत्रिक हो जाएगा। यंत्र प्लस में एक से क्या हो गया, यांत्रिक। प्रथम के अंदर एक प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर ए, तो ए का परिवर्तन हमने किस में कर दिया, आ में कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। तो ये एक जो प्रत्यय है इस प्रकार लगाएंगे तो आपको तामसी के अंदर मूल शब्द क्या है, तमस प्लस में एक है, ये मनस प्लस में क्या है, एक है, यंत्र प्लस में क्या है, एक है, ये प्रथम प्लस में क्या हो गया, एक से क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। अब देखो आगे दे रखा है इतिहास प्लस में एक प्रत्यय जोड़ना है आपको। अब इस शब्द के अंदर प्रथम जो वर्ण आ रहा है, प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, और हमने ये पढ़ा है कि जहां पर ई स्वर है तो ई का परिवर्तन आपको किस में करना है, आई में करना है। तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में हो गया। मध्य में आपको कोई परिवर्तन करना नहीं है, हा का हा लिख दिया। अब स पर हम ई की मात्रा लगाएंगे और क जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। अब ऐतिहासिक के अंदर आपको प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय, और मूल शब्द पूछे तो मूल शब्द यहां पर क्या है, इतिहास है। अब ई का जो परिवर्तन ऐ में हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हमने ये जो नियम पढ़ा है, ये आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तो प्रथम स्वर में आपको क्या करनी है, वृद्धि करनी है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, परिवर्तन होगा। मूल के अंदर एक प्रत्यय लगाएंगे तो पहले ऊ का परिवर्तन आपको औ में करना है, एक प्रत्यय लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, मौलिक हो जाएगा। योग के अंदर लगाएंगे तो ओ आ रहा है तो ओ का परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। इसी प्रकार सेना के अंदर देखें तो यहां पर ए आ रहा है, ए का परिवर्तन आपको किस में करना है, आई में करना है, और ये शब्द क्या हो जाएगा, सैनिक हो जाएगा। शब्दशुद्धि में भी पूछा जा सकता है सैनिक पर मात्रा एक है या दो, तो सेना में मात्रा क्या है, एक है, और एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आई में हो जाएगा। तो इस प्रकार के उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको कोई भी शब्द दे दिया, इस प्रकार सैनिक शब्द दे दिया और आपको पूछ लिया इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है, ऑप्शन है कहीं पर कै मिल जाएगा, कहीं पर निक मिल जाएगा, कहीं पर अक मिल जाएगा, कहीं पर इक मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, एक प्रत्यय है, और मूल शब्द आपको ध्यान में रखना है, मूल शब्द यहाँ पर क्या है, सेना है। किसी भी शब्द के अंदर हमें प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करते समय पहले आपको किसकी पहचान होनी चाहिए, मूल शब्द की पहचान होनी चाहिए। पहले हम मूल शब्द को क्या करेंगे, अलग करेंगे, और शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक प्रत्यय वाले कुछ उदाहरण पढ़ लिए हैं। अब आगे हम देखें एक प्रत्यय ए प्रत्यय वाले। ए प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ेगा तो वही परिवर्तन चार आपको याद में रखने हैं। और एक चीज मैंने आपको ये बताई है कि ऊ के बाद में यदि ए आता है तो आपको ऊ और ए ये दोनों आपस में अपवाद स्वरूप आपको इसका जो परिवर्तन है वो किसमें करना है, औ में करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हम देखें कोई शब्द दे रखा है आपको, एक शब्द है मनु है, एक तनु है, एक शब्द क्या है, रघु है, एक दे रखा है मधु दे रखा है, एक कुरु शब्द दे रखा है। मनु है, तनु है, रघु है, कुरु है, इस प्रकार के आपको क्या दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं। एक आपको यदु दे रखा है, एक विष्णु शब्द दे रखा है, एक पांडु शब्द दे रखा है,
एक वसुदेव शब्द दे रखा है, वसुदेव। ये जो शब्द है, चाहे मनु है, तनु है, या फिर कुरु है, यदु है, विष्णु है, इस प्रकार के जो शब्द दे रखा है। एक और देखें, एक शब्द दे रखा है आपको, शक्ति शब्द दे रखा है। इनमें जो प्रत्यय है वो प्रत्यय कौन सा जोड़ना है आपको? ए प्रत्यय जोड़ना है। एक शब्द आपको शिव दे रखा है, एक जिन शब्द है, एक बुद्ध शब्द है। ये इनमें आप प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे? ए प्रत्यय जोड़ेंगे। अब देखो परिवर्तन क्या करना है। पहला तो आपको चार विशेषता को याद रखनी है। ए आर है तो ए का परिवर्तन किसमें करना है? आ में करना है। ई और ई आर है तो उसका परिवर्तन ऐ में करना है। उ और उ आर है उसका परिवर्तन हमें किसमें करना है? औ में करना है। और ई आर है तो ई का परिवर्तन हम किसमें करेंगे? आर में करेंगे। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उ के बाद में ए आएगा तो इसका परिवर्तन आपको किसमें करना है? औ में करना है। अब मनु प्लस में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए का परिवर्तन आ में हो गया। यहां पर उ और ए मिलकर इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? औ में हो जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएगा? मानव हो जाएगा। तो मानव के अंदर मूल शब्द क्या है? मनु। और प्रत्यय पूछे तो कौन सा है? ए प्रत्यय। दनु के अंदर देखेंगे तो द का परिवर्तन है, ए का परिवर्तन आ में हो गया दा, और ये शब्द क्या बन जाएगा? दानव। रघु के अंदर ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर ये शब्द क्या हो जाएगा? राघव। मधु के अंदर देखेंगे तो यहां पर मैं का मा हो गया, ये शब्द क्या हो गया? माधव। देखो इन शब्दों के अंदर में यहां पर भी क्या रहा है? वह आ रहा है, यहां पर वह, और यहां पर वह, और यहां पर भी क्या है? वह। और ये हमने पढ़ा है कि जो अप्रत्ययवाचक है सरित प्रत्यय के अंदर, जहां पर कहीं से किसी चीज का उत्पन्न होने का बोध होता है, वहां पर ये अप्रत्यय है। और इस प्रकार की यदि जहां पर वह नजर आए वहां पर आपको प्रत्यय हमेशा कौन सा करना है? अप्रत्यय करना है। कुरु है, देखो यहां पर क्या रहा है? ऊ सब आ रहा है। पहला परिवर्तन हम क्या करेंगे? ऊ का जो परिवर्तन है वो आपको किसमें करना है? औ में करना है। रह का रह हो गया, औ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कौरव हो जाएगा। कौरव के अंदर प्रत्यय पूछे तो कौन सा है? अप्रत्यय। मूल शब्द पूछे तो क्या है? कुरु है। यदु के अंदर देखें तो यहां पर यह के अंदर आ स्वर है, द और वह, ये क्या हो जाएगा? यादव हो जाएगा। अब देखो यहां पर विष्णु दे रखा है, और विष्णु के अंदर प्रथम वर्ण के अंदर जो मात्रा आ रही है वो किसकी आ रही है? ई की आ रही है। ई का जो परिवर्तन है, ई का जो परिवर्तन है वो आपको किसमें करना है? आई में करना है। तो ई का जो परिवर्तन हम किसमें करेंगे? आई में करेंगे। स का स हो गया, औ में परिवर्तन करेंगे, ये शब्द क्या हो जाएगा? वैष्णव हो जाएगा। विष्णु से उत्पन्न क्या करना है? वैष्णव, या विष्णु से संबंधित क्या हो गए? वैष्णव। अब पांडु है, पांडु में प्रत्यय जोड़ना है तो यहां पर देखो आ स्वर है तो आ का आ में परिवर्तन होगा, और ड और व, ये क्या हो जाएगा? पांडव हो जाएगा। पांडु की संतान ये क्या कहलाई? पांडव कहलाई। इसी प्रकार वसुदेव है, इसके अंदर ए प्रत्यय जोड़ेंगे, पहले ए आ रहा है तो ए का परिवर्तन आ में हो गया, बाकी आपको कोई परिवर्तन करना नहीं है। अब देखो यहां पर अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए को हम स्वर रहित करेंगे, वापिस ए स्वर की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? वसुदेव हो जाएगा। वसुदेव की जो संतान है वो क्या कहलाई? वासुदेव। वासुदेव किसका पर्यायवाची है? श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो इसी प्रकार शक्ति, शक्ति के अंदर ए प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर ए आ रहा है तो ए का परिवर्तन आपको किसमें करना है? आ में करना है। अब देखो यहां पर अंतिम वर्ण के अंदर जो मात्रा किसकी है? ई की है। अब ई स्वर की मात्रा तो हम हटा देंगे, और मात्रा किसकी लगाएंगे? ए की मात्रा लगाएंगे, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? शक्ति प्लस में ऐसे क्या हो जाएगा? शक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्त। शिव है, ई है, ई का परिवर्तन किसमें कर दिया हमने? आई में कर दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। शिव प्लस ऐसे क्या हो गया? से हो गया। जिनके अंदर ए प्रत्यय लगाएंगे तो ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? आई में हो जाएगा। ए को हटाएंगे, वापिस ए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जैन हो जाएगा। ये बुद्ध शब्द दे रखा है। यहां पर उ है, उ का परिवर्तन हम किसमें करेंगे? औ में करेंगे। द का द, ये क्या हो गया? बोध हो गया। बुद्ध में ए प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो ए प्रत्यय है उसमें दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो औ वाली बात ध्यान में रखनी है, बाकी जो हमने जो चार है विशेषता पढ़ी है वो चार विशेषता ध्यान में रखनी है। तो ये जो आठ प्रत्यय है उसमें एक प्रत्यय हमने पढ़ लिया है उदाहरण, ए वाले कुछ उदाहरण पढ़ लिए हैं। एक तो उदाहरण हमें यह प्रत्यय वाले पढ़ते हैं कि यह प्रत्यय किस प्रकार शब्द के साथ जुड़ेगा और उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होगा। देखो यह प्रत्यय, एक कोई शब्द दे रखा है आपको, इस प्रकार एक सुंदर शब्द देती है सुंदर, और इसके अंदर आपको प्रत्यय कौन सा जोड़ना है? यह प्रत्यय जोड़ना है। परिवर्तन वो चार परिवर्तन वही आपको याद रखना है कि पहला
शब्द के अंदर पहले वर्ण के अंदर जो स्वर की मात्रा आ रही है उसका जो परिवर्तन किस प्रकार होगा, यहां पर उ आ रहा है तो उ का परिवर्तन आपको किस में करना है, औ में करना है, तो उ का परिवर्तन औ में करेंगे तो यहां पर उ के स्थान पर मात्रा किसकी लगाएंगे, औ की। न का न हो गया, द का द लिख दिया। अब मैंने ये बताया कि आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे तो अंतिम वर्णों को हमें क्या करना है, स्वर रहित करना है। बाकी प्रत्यय के अंदर पहले किसकी मात्रा आ रही है, स्वर की मात्रा आ रही है, लेकिन यहां पर ये क्या है, व्यंजन प्रत्यय है तो यहां पर स्वर की मात्रा नहीं आएगी, तो यहां पर ये इसको स्वर रहित करेंगे तो ये रह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आधा जो रह वो अपने आगे वाले वर्ण पर चला जाएगा तो ये शब्द क्या हो जाएगा, सौंदर्य हो जाएगा। और सौंदर्य के अंदर यदि आपको प्रत्यय पूछे तो कौन सा है, यह प्रत्यय। मूल शब्द पूछे तो यह मूल शब्द क्या है, सुंदर है। इसी प्रकार को एक शब्द यदि आपको मधुर है, मधुर के अंदर आपको यह प्रत्यय जोड़ना है, पहला परिवर्तन हम क्या करेंगे, ए का परिवर्तन किस में हो गया, आ में हो गया, दू का दू हमने लिख दिया, ये रह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और अपने आगे वाले वर्ण पर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माधुर्य। माधुर्य के अंदर मूल शब्द पूछे तो क्या है, मधुर है, और प्रत्यय पूछे तो प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। इसी प्रकार आपको शब्द दे रखा है वत्सल, इसके अंदर आपको यह प्रत्यय जोड़ना है तो पहला परिवर्तन हम क्या करेंगे, ए का परिवर्तन आ में कर दिया, तय आता है से, और यहां पर ले क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये शब्द क्या हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा, वात्सल प्लस में यह प्रत्यय से ये क्या हो जाएगा, वात्सल्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे रखा है ललित, ललित के अंदर आपको यह प्रत्यय जोड़ना है तो पहला परिवर्तन यही है, ए का परिवर्तन आ में करेंगे, यहां पर मध्य में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तय क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा और यह शब्द क्या हो जाएगा, लालित्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो यह प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो ये चार विशेषता आपको ये याद रखनी है, और अंतिम वर्ण को हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे, तो आपको इस प्रकार के जो उदाहरण है वहां पर आपको यह से ठीक पहले ये क्या मिलेगा, आधा व्यंजन के रूप में मिलेगा, यह से ठीक पहले इस प्रकार आधे व्यंजन आ रहे हैं तो आपको प्रत्यय पूछे तो वहां पर लगभग प्रत्यय कौन सा होगा, यह प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार ये यह प्रत्यय वाले उदाहरण है, सुंदर में यह प्रत्यय लगाएंगे तो सौंदर्य हो जाएगा, मधुर में यह प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा, ललित में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ललित्य हो जाएगा। इसके अलावा एक उदाहरण और देखो, एक शब्द दे रखा है आपको विधवा, एक शब्द दे रखा है आपको कुमार, एक दे रखा है कवि, एक दे रखा है एक, एक शब्द दे रखा है सेना, एक शब्द दे रखा है आपको स्वस्थ, एक दे रखा है स्वतंत्र। ये जो उदाहरण है इनमें जो प्रत्यय आपको कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, यह प्रत्यय जोड़ना है। एक शब्द हो रहा है गृहस्थ, गृहस्थ। तो देखो जो यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहला परिवर्तन तो यहां पर ई आ रहा है, ई का परिवर्तन हम किस में करेंगे, आई में करेंगे उस नियम के अनुसार, तो ई का परिवर्तन हमने किस में कर दिया, आई में कर दिया, द का द है। अब देखो व के अंदर यहां पर आ स्वर है, ये प्रत्यय जुड़ेंगे तो ये अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, तो ये व क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और यहां पर प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा, यह प्रत्यय, तो ये विधवा प्लस में यह से क्या हो जाएगा, वेदव्य हो जाएगा। अब देखो वेदव्य के अंदर आपको प्रत्यय पूछे तो यहां पर प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय। पहचान आपको ये याद रखनी है कि यह से ठीक पहले आपको क्या मिलेगा, लगभग आधा व्यंजन मिलेगा और वहां पर प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय। और इसके अंदर मूल शब्द की बात करें तो आपको मूल शब्द ध्यान में रखना है, यहां पर वेदवे के अंदर मूल शब्द क्या है, विधवा है, विधवा प्लस में एस, इसका परिवर्तन किस में हो गया, वेदवे में हो गया। कुमार में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर ऊ का परिवर्तन आपको औ में करना है तो ये औ में हो गया, बाकी यहां पर रह आता रह जाएगा, ये यह पर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कौमार्य हो जाएगा। कुमारी के अंदर कुमार प्लस में यह, कवि में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो ए का परिवर्तन आ में हो गया, वह स्वर रहित करेंगे, यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, काव्य हो जाएगा। काव्य के अंदर मूल शब्द पूछे तो क्या है, कवि है। एक के अंदर देखें तो यहां पर ए आ रहा है, ए का परिवर्तन उस नियम के अनुसार किस में करना है आपको, आई में करना है, कह स्वर रहित हो जाएगा, अंत में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। एक के अंदर मूल शब्द पूछे तो क्या है, एक है, और प्रत्यय पूछे तो कौन सा है, यह प्रत्यय है। इसी प्रकार हम सेना के अंदर यह प्रत्यय लगाएंगे, यहां पर एक की जो मात्रा है वो किस में हो जाएगी, आई में हो जाएगी, आ की मात्रा हटाएंगे क्या हो जाएगा, सैन्य हो जाएगा। अब यहां पर देखो स्वस्थ के अंदर आपको यह प्रत्यय लगाना है,
पहला जो वर्ण है वो सै हो गया सवर रहित है। इसके बाद में सवर कहां पर आ रहा है, ए की मात्रा यहां पर आ रही है, तो अब इसका जो परिवर्तन होगा वो कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो सै का सै लिख दिया हमने, यहां पर ए जो सवर है उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, आ में हो जाएगा, ये सै पहले से याद है। अब थे को हम सवर रहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और प्रत्यय कौन सा जोड़ना है आपको, यह प्रत्यय जोड़ना है, तो ये स्वस्थ प्रश्न में यह से क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा। इसी प्रकार ये स्वतंत्र के अंदर यहां पर है ए आ रहा है तो सै आधा है, वह के अंदर देखेंगे तो यहां पर आ में परिवर्तन हो गया, ये त्रय सवर रहित करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, और यह प्रत्यय जोड़ेंगे ये क्या होगा, स्वातंत्री हो जाएगा। इसी प्रकार ग्रस्त के अंदर देखो, यहां पर देखो जो सवर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, री आ रहा है। हमने ये पढ़ा है कि री के बाद में इनमें से कोई भी प्रत्यय आएगा तो री का परिवर्तन किस में करना है आपको, आर में करना है। री का परिवर्तन किस में करना है, आर में करना है। अब इसका आर में परिवर्तन करेंगे तो री स्वर की मात्रा हटा देंगे, गय के अंदर आ स्वर की मात्रा लगाएंगे, यहां पर आ आगे ये आधा रहे अपने आगे वाले वर्ण पर चला जाएगा, ये है पर आएगा। सह का सह लिख दिया हमने, थे को स्वर रहित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसके बाद में प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे, ये तो ग्रस्त से संबंधित क्या हो गया, गाशत्य हो गया। तो इस प्रकार ये प्रत्यय वाले जो उदाहरण है इसमें आपको याद रखना है कि ये चार परिवर्तन याद रखने हैं, और यह प्रत्यय जोड़ेगा तो उससे पहले वाला जो व्यंजन है वो आपको क्या मिलेगा, आधा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमने प्रत्यय पढ़ लिए, प्रत्यय वाले उदाहरण पढ़ लिए, इक वाले उदाहरण हो गए, यह प्रत्यय वाले उदाहरण हो गए, तो ये आठ प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार आपको ये चार परिवर्तन याद करना है, और अंतिम जो वर्ण है उसे हम क्या करना है, स्वर रहित करना है। एक ए वाले उदाहरण हम देखते हैं, जिस प्रकार कोई शब्द दे दिया आपको राधा, एक शब्द दे रखा है कुंती, एक शब्द दे रखा है आपको अग्नि, राधा है कुंती है अग्नि है, एक शब्द दे रखा है आपको भगिनी। इन उदाहरणों के अंदर जो आपको प्रत्यय लगाना है वो प्रत्यय कौन सा लगाना है, अय प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है, अय प्रत्यय। अब नियम वही है, चार परिवर्तन आपको याद रखना है। पहला यहां पर स्वर क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ का परिवर्तन आ में ही होगा। अब इस दय को हम क्या करेंगे, स्वर रहित करेंगे, तो यहां से आ की मात्रा तो हटा देंगे। अब यहां पर मात्रा किसकी आ रही है, ए की आ रही है, तो ये ए जुड़ेगा तो यहां पर ए की मात्रा आएगी, ये शब्द क्या हो जाएगा, राधे हो जाएगा। राधा से उत्पन्न क्या कहलाया, राधे। राधे किसका पर्यायवाची है, कर्ण का पर्यायवाची है, तो राधा प्लस में ए से ये क्या हो गया, राधे हो गया। इसी प्रकार कुंती है, कुंती में ए प्रत्यय जोड़ेंगे, यहां पर ऊ स्वर आ रहा है तो ऊ का परिवर्तन आपको किसमें करना है, नियम के अनुसार औ में हो जाएगा, अनुस्वार अनुस्वार लगा दिया। तय पर ही स्वर की मात्रा तो हटा देंगे और ए की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, कौनते हो जाएगा। कुंती प्लस में ऐसे क्या हो गया, कौनते। अग्नि के अंदर ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर ए स्वर है, ए का परिवर्तन आपको किसमें करना है, आ में करना है। अंतिम वर्ण पर यहां पर ई स्वर की मात्रा आ रही है तो ई स्वर की मात्रा तो हटा देंगे, यहां पर मात्रा किसकी आएगी, ए की आएगी, ये अग्नि प्लस में ए से क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। भगिनी में ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहां पर ए का परिवर्तन आ में हो गया, बीच में कोई परिवर्तन करना नहीं है, यहां पर ई स्वर की मात्रा हटाएंगे, वापिस ए की लगाएंगे, भगिनी प्लस में ऐसे क्या हो गया, भागिने, भागिने मतलब भांजा। तो इस प्रकार ये परिवर्तन होगा। तो ये जो आपको प्रत्यय ए वाले उदाहरण हमने पढ़ लिया, एक वाले आ गए हैं, ए या ये, इस प्रकार जो प्रत्यय है इनमें से कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा तो ये आपको चार परिवर्तन याद रखने हैं, और अंतिम वर्ण को आपको क्या करना है, स्वर रहित करना है। एक तो उदाहरण हम ये ई वाले देखते हैं, एक शब्द दे रखा है आपको जिस प्रकार वाल्मीकि है। एक तो ये शब्द शुद्धि के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, एक वाल्मीकि इस प्रकार लिखा है और एक वाल्मीकि इस प्रकार लिखा हुआ है। अब आपको पूछे इन दोनों शब्दों के अंदर शुद्ध शब्द कौन सा है, वाल्मीकि के अंदर एक ही मात्रा यहां पर बड़ी है, यहां पर छोटी है, या दोनों ही बड़ी है। तो देखो यहां पर यदि मूल शब्द की बात करें तो वाल्मीकि के अंदर या वाल्मीकि के अंदर मूल शब्द क्या है, वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि है। और इस वाल्मीकि के अंदर जो प्रत्यय है वो क्या है, ई की मात्रा है, और ई कौन सी, ह्रस्व ई की मात्रा लगेगी। अब ये ह्रस्व ई वाला यदि हम मात्रा लगाएं तो पहला परिवर्तन तो क्या होगा, यहां पर ए का जो परिवर्तन है वो क्या हो गया, आ में हो गया, ले का ले कर दिया, यहां पर ई की मात्रा है। अब यहां से स्वर रहित करेंगे और यहां पर ई की मात्रा लगाएंगे तो यहां पर ई की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी, ये वाल्मीकि पर या क्या कहलाया, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि के अंदर शब्द शुद्धि के अंदर देखें तो आपको एक ई की मात्रा बड़ी आएगी, दूसरी क्या आएगी, छोटी आएगी। मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द यहां पर क्या है, वाल्मीकि है,
और इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे, ई प्रत्यय जोड़ेंगे, ये शब्द क्या हो जाएगा, वाल्मीकि हो जाएगा। एक उदाहरण और, जिस प्रकार ये शब्द रखा है आपको दशरथ, और दशरथ के अंदर जो प्रत्यय लगाना है वो कौन सा लगाना है आपको, ई प्रत्यय लगाना है। तो यहां पर पहला परिवर्तन तो आपको है का परिवर्तन आप में करना है, ये दा स का स हो गया, रह का रह हो गया, यहां पर स्वर रहित करेंगे अंत में ई की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, दासरथी हो जाएगा। तो दासरथी शब्द सूत्र पूछे तो आपको यहां पर भी ई की मात्रा क्या करनी है, छोटी करनी है, तो यहां पर दशरथ प्लस में ई से क्या हो जाएगा, दासरथी हो जाएगा। तो यहां पर प्रत्यय पूछे तो यहां पर प्रत्यय कौन सा है, ई है, और ए का परिवर्तन आ में हो रहा है वो इस आठ प्रत्यय के नियम के अनुसार हो रहा है। बड़ी वाले देखें तो जिस प्रकार कोई आपको शब्द दे दिया पांचाल दे दिया, या पर्वत शब्द दे दिया, या गंधार शब्द दे दिया, इनमें जो आपको जो प्रत्यय वो प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, ई वाला प्रत्यय जोड़ना है। तो पांचाल के अंदर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पहला परिवर्तन आ है, तो आ का आ में हो गया, पांचाल प्लस में ई से ये क्या हो जाएगा, पांचाली, द्रौपदी का पर्यायवाची है तो पांचाल प्लस में इससे ये क्या हो गया, पांचाली हो गया। पर्वत में ई प्रत्यय लगाएंगे तो पहला परिवर्तन क्या होगा, ए का परिवर्तन आ में हो गया, तय पर ई की माता लगाएं तो पर्वत प्लस में ई से ये क्या हो गया, पार्वती हो गया। गंधार में ई प्रत्यय लगाएंगे तो पहला परिवर्तन आपको ए का परिवर्तन आ में करना है, और ये गंधार में ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गंधारी हो जाएगा। इसी प्रकार एक उदाहरण और है, तो कई बार शब्द शुद्धि में पूछा जाता है द्रौपदी शब्द, ये द्रौपदी के अंदर देखें तो मूल जो शब्द है, द्रौपदी के अंदर जो मूल शब्द है वो द्रुपद है या फिर द्रुपद है या द्रौपद है, इस प्रकार ये आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहां पर मूल शब्द क्या है। अब देखो द्रौपदी के अंदर जो मूल शब्द क्या होता है, द्रुपद मूल शब्द है, द्रुपद राजा की जो पुत्री है वो क्या कहलाई, द्रौपदी कहलाई। अब इसमें जो प्रत्यय जुड़ेगा वो कौन सा है, दीर्घ ई है। अब पहला परिवर्तन आपको क्या करना है, यहां पर जो उ आ रहा है उ का परिवर्तन इस नियम के अनुसार हम किस में करेंगे, औ में करेंगे, तो यहां पर उ का परिवर्तन किस में हो गया, औ में हो गया, प का प, अब द को स्वर रहित कर वापिस ई की मात्रा लगाएंगे तो ये द्रुपद प्लस में इसे क्या हो जाएगा, द्रौपदी हो जाएगा, द्रौपदी नहीं होता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, द्रौपदी होता है। अंत में क्या आएगा, द आएगा, यहां पर तय नहीं आएगा। मूल शब्द आपको पूछे तो मूल शब्द यहां पर क्या है, द्रुपद है। तो इस प्रकार ये जो आठ प्रत्यय हैं ये वर्गीकरण वाले प्रत्यय कहलाते हैं, और ये किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो ये चार परिवर्तन आपको याद रखने हैं, और अंतिम जो वर्ण है उसे हमें क्या करना है, स्वर रहित करना है। इसी प्रकार आपको एक शब्द दे दिया बद्री, बद्री के अंदर आपको प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, आयन प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा जोड़ना है, आयन प्रत्यय जोड़ना है। तो ये शब्द बनेगा, देखो बै का परिवर्तन आवे हो गया, दय का दय हो गया, अब ई की मात्रा हटाएंगे यहां पर आ लगाएंगे, ये शब्द क्या होगा, बादरायन हो जाएगा, बादरायन। यहां पर नय का परिवर्तन अणय में हो गया तो बद्री प्लस में आयन से ये क्या हो जाएगा, बादरायन हो जाएगा। इसी प्रकार आपको राम प्लस में एन दे रखा है, यहां पर संधि भी हो रही है, राम प्लस में आयन, हमने व्यंजन संधि में पढ़ा है कि यहां पर राम प्लस में एन से जुड़ेंगे तो ये रामायण हो जाएगा, राम प्लस में एन से क्या हो जाएगा, रामायण। नय का परिवर्तन व्यंजन संधि के नियम के अनुसार किसमें हो गया, अणय में हो गया। तो इस प्रकार ये जो प्रत्यय आपको याद रखना है, प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये मूल शब्द को आपको अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। तो हमने प्रत्यय वाला जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया है, प्रत्यय के दो प्रकार पढ़ लिए, और कौन कौन से प्रकार है वो हमने पढ़ लिए, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो आठ प्रत्यय विशेष रूप से आपको याद में रख रहे हैं कि यहां से किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, किस प्रकार से परिवर्तन होगा, चार परिवर्तन आपको याद में रखने हैं, और अंतिम वर्ण को आपको स्वरहित करके इन आठ प्रत्ययों को मात्रा को आपको लगाना है। इस प्रकार हमने प्रत्यय वाला प्रति क्या कर लिया, पूरा कर लिया। धन्यवाद।